तहसी दिले नमस्ते, आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत तहसी दिले और नमस्ते। हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते और हमारे जो मुस्लिम भाई से अस्सलाम वालेकुम और जितने भी टिबेटन वासी हों और सबको हमारे तरफ से तहसी दिले। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रही है कि सोशल मीडिया में आज की तारीख में दलाई लामा जी का बदनाम किया जा रही है। ये बहुत चिंताजनक बात है। इस बात को बहुत गहरे से समझना चाहिए और समझने के बाद में हम जितने भी टिबेटन भाई लोग हैं, जो इनके विश्वासी लोग हैं, जितना भी विश्वास लोग हैं, वो सब एकता होकर इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना भी ज़रूरत है। क्योंकि आप सब ने देखी होगी, सुना भी होगा, बहुत से वीडियो वायरल हो रही है। मीडिया वाले, पेपर वाले उसमें छपा रहते हैं कि दलाई लामा जी ने जो है एक बच्चे के साथ जो है, मैं अपने जवान से उसको बयान नहीं कर सकता, बड़े दुख, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को। आप समझ सकते हैं कि दलाई लामा जी को दर्शन करने के लिए हर देश के लोग आते हैं, इंटरनेशनल के लोग आते हैं, बड़े बड़े लेबर के आते हैं, छोटे छोटे लोग आते हैं, मीटर साइड के सब लोग आते हैं, लेकिन परम पूजा दलाई लामा जी के सामने सब बराबर है। वो एक ही निकाह से देखता है क्या, दया और करुणा। प्लीज़, दया और करुणा। उनकी वो जो है परम पूजा दलाई लामा जी है, वो 14वीं दलाई लामा जी जो है वो टिबेटन में भगवान के रूप मानते हैं, जैसे कि अवलोकेश्वर, जैसे कि भगवान राम इस धरती में आए मनुष्य बन के, जो आज भी अयोध्या का कहानी जो आप जानते हैं, तो इसी तरीका से अवलोकेश्वर के वो जो है साक्षी जो है उनका मतलब अवतार है हिज होलीनेस द दलाई लामा 14 दलाई लामा तेंजिन ख्यात्सो जी। जी हाँ, पूज्य दलाई लामा जी को बदनाम करना अपने आप को पाप का चोला उड़ना बराबर है। अच्छा, अब ये छोटी सी आप लोग बात जो है, ये छोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ दर्शन करने आते हैं और परिवार के साथ एक लड़का भी आता है और उनके परिवार के जो सदस्य जो होते हैं, माता पिता, दादा दादी जो भी हो, उनके साथ होते हैं और सब वहाँ बैठे रहते हैं। उनमें जो है